हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, ये टेक्नो का फ़ोन है, ये मतलब अचानक हैंग हो गया है, इसका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है। ऐसा प्रॉब्लम आपके मोबाइल में भी हो सकता है। आपका टेक्नो का कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। मान लीजिए आप मोबाइल का टच जो है काम करना बंद कर दिया है, आप जो है अपने मोबाइल को रिबूट, रिस्टार्ट या स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपका टच नहीं काम कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा जो है टच काम करना बंद कर देता है, या अचानक हमारा लोगो पे हैंग हो जाता है, या डिस्प्ले का ग्राफिक गायब हो जाता है, या माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को रिबूट करना है। और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, पावर बटन को लगभग 10 सेकंड तक आप प्रेस करके लगातार रखोगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा और आपका जो भी हैंगिंग प्रॉब्लम रहेगा है वो सही हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि अगर जो आपके मोबाइल में डिस्प्ले चेंज हुआ है तो ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर आता है कि अचानक चलते चलते टच काम करना बंद कर देता है, या मतलब डिस्प्ले का ग्राफिक गायब हो जाता है, या माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में आपको फ़ोन अपना जो है रिबूट और रिस्टार्ट करना है। रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल पावर बटन को 10 से 20 सेकंड तक आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। और आपका मोबाइल यदि हैंग हुआ होगा तो आपका 100% काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, हमने अपने फ़ोन को रिबूट कर दिया है। टेक्नो का आपका कोई भी फ़ोन हो, यदि आपका ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो रहा है। अधिकतर ये प्रॉब्लम उस फ़ोन में आता है जिसमें मतलब डिस्प्ले चेंज हुआ होता है, उसमें मतलब अचानक ये जो है टच काम करना बंद कर देता है, या डिस्प्ले का ग्राफिक गायब हो जाता है। तो ऐसा होने पर आप अपने मोबाइल को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए, तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, आपका मोबाइल हैंग हो गया है और आपका मतलब इस वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम यहाँ पे हम वेट करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक चलाते चलाते आपका फ़ोन मतलब टच काम करना बंद कर देता है, आपका मतलब डिस्प्ले हैंग हो जाता है, या आपका टच हैंग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लेना है। और रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पावर बटन को 10 से 12 सेकंड तक प्रेस करके लगातार रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, थोड़े समय में हमारा फ़ोन खुलने वाला है। यहाँ पे देखिए ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हमारा देख लीजिए टच काम करने लगा है। यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो गया, हमारा जो है सब कुछ काम करने शुरू हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।